देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो वेव्स थे उसके सुपर पोजिशन देखे थे हम लोगों ने। सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वेव्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करके इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और अगर वो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और इंटरफेयर करेंगे तो हमें स्टैंडिंग वेव मिलता है ना। तो स्टैंडिंग वेव के बारे में हम लोगों ने इस जगह से स्टार्ट किया था, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसी इसी स्टैंडिंग वेव में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा था, एंटी नोड्स और नोड्स के इक्वेशंस वगैरह भी देखे थे। ये डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेव होते हैं और जो प्रेशर वेव होते हैं वो जस्ट अपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा उस जगह पे प्रेशर वेव का एंटी नोड होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट वेव का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें फेज, लेट से इनिशियल फेज जो 0 होता है, तो प्रेशर वेव में इनिशियल फेज कितना आ जाता है? पाई बाई टू का आ जाता है। हाय, तो प्रेशर वेव ऑलवेज लीड करता है, ठीक है? प्रेशर वेव ऑलवेज लीड करता है पाई बाई टू से। तो जो भी चीज़ तुम्हें नोड डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा, जहाँ जिस भी लोकेशन पे नोड मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेव का, उसी लोकेशन पे एंटी नोड मिलेगा प्रेशर वेव का। और फिर इसी तरीके से मैंने वेव ऑन ए स्ट्रिंग में बताया था कि जो रिफ्लेक्शन होता है वेव ऑन ए स्ट्रिंग में किस तरीके से होता है। दो बाउंड्रीज हो सकते हैं, या तो एक डेंसर मीडियम या फिर एक रेयर मीडियम हो सकता है। डेंसर मीडियम को एक रिजिड बाउंड्री की तरह ज़ूम कर लो, और उससे जब रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज चेंज हो जाता है। और अगर वही जो मीडियम है अगर रेयरर हो जाए तो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन के कारण से कोई भी फेज का चेंज नहीं होता है। ये पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने देखा था वेव ऑन स्ट्रिंग में। तो साउंड वेव में भी ऐसा ही होता है कि साउंड वेव में जब वेव रिफ्लेक्ट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा उसमें पाई का चेंज आ जाएगा, और अगर पाई का चेंज आया है तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जब आपस में इंटरफेरेंस करेंगे तो मुझे क्या दे देगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा? 0। तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नोड। और नोड का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहे हैं हम लोग, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0। तो वही अगर ओपन बाउंड्री होगा तो ओपन का मतलब कि रेयर एयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जब इंटरफेरेंस होगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड। और हमें पता है कि उल्टा होता है, जहाँ पे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का नोड वहाँ पे मिलेगा प्रेशर का एंटी नोड, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा वहाँ पे प्रेशर का नोड होगा। और फिर ये चीज़ हम लोगों ने देखा था लास्ट में, और उसके बाद फिर आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि पूछा था ये वाला प्रश्न, ये दोनों जो सोर्सेस हैं जिस तरीके से रखे हुए हैं और कुछ इसी अजम्पशन लेने हैं, इस वाई का वैल्यू क्या होगा ये निकालने के लिए बोला था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और कुछ चीज़ें इसमें तुम्हें समझ में आएगा। चलो इसको करते हैं हम लोग। तो इस जगह पे एक सोर्स है S1 और इस जगह पे सोर्स है S2, और ये है मेरे पास लाइन जिस पे डिटेक्टर मूव कर रहा है। तो उसके मिड पॉइंट से वाई डिस्टेंस पे मुझे ये सारी चीज़ बताना था कि कितने डिस्टेंस पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या फिर जो भी होंगे वैल्यूज वाई कितना होगा वो बताना। तो लेट से वाई डिस्टेंस पे जा करके मुझे ये बताना है कि जगह पे पाथ डिफरेंस कितना है, बराबर?
मैं इसको इस तरफ कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी। पॉइंट पी है इस तरफ, और ये जो डिस्टेंस है एक्स वन है और ये डिस्टेंस क्या है एक्स टू है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस विल बी एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन। और ये कैसे निकलेगा और कितना होगा? पहला चीज उसने क्या बोल रखा है, जो डी है वो बहुत ही छोटा है ई से, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा ई का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ई बहुत बड़ा होने के कारण से ये कुछ ऐसा होगा। दोनों की वैल्यू लगभग सेम ऑलमोस्ट मैं सेम पैरेलल पैरेलल बोल सकता हूँ, E जो है वो छोटा है और E काफी बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो उसको मैं विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ ऐसा। ये है पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, इंटरफेरेंस हो रहा है, और इस जगह पे दोनों सोर्स S1 एंड S2, तो ये दोनों लाइंस लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? इस पार्ट को मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जीरो जीरो नहीं होगा। पाथ डिफरेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो तो क्या इतना सा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया? क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है ना, इतना सा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल हुआ है, तो यही हमारा पाथ डिफरेंस। अब समझ में आया? तो इस एंगल को मैं थीटा ज़ूम कर लेता हूँ, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, या फिर इस वाले एंगल को थीटा ज़ूम कर लेता हूँ, इसे हटा रहा एंगल, तो ये एंगल अगर थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और अब मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है, ये कुछ ऐसा, इस पे परपेंडिकुलर है, दिस डिस्टेंस इज डी क्योंकि ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, तो ये जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स वो कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, यही तुम्हें कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में जानकारी दी, ठीक है। डेल्टा एक्स में रहने दो। अब मुझे वाई निकालना है, तो y को मैंने इस तरफ किया है, इसको इस तरफ कर लेता हूँ, ये y कितना होगा? क्या मैं एक ट्राइंगल फिर से बना सकता हूँ? दिख रहा है क्या? है ना, बोलो समझ में आया क्या? ये क्या है? e है और ये है y, तो टेन थीटा मैं कितना ले सकता हूँ? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ई, सो वाई इज इक्वल टू ई टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू ई टेन थीटा। अब ये दो इक्वेशन आ गए मेरे पास, और इसी दोनों इक्वेशन के साथ मुझे काम करना है, ठीक है, इसी दोनों इक्वेशन के साथ मुझे काम करना है। नेक्स्ट एक अजम्पशन और लेने के लिए बोला गया है कि डी जो है वो काफी बड़ा है और लेमडा छोटा है, इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ इस वाले रिलेशन में, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को मैं वापस से इस जगह पे लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा या फिर एन प्लस वन बाई टू लेमडा बाई टू, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा या फिर इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, बराबर। तो लेट से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो एन लेमडा है, और एन लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा डी साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? एन लेमडा बाई डी। अब तुम मुझे बताओ, अगर लैम्डा बहुत छोटा है और डी बहुत बड़ा है, तो क्या
ये जो क्वांटिटी होगा वो काफी छोटा आएगा गिवन दैट एन इज स्मॉल. यस सर. तो थीटा मैं इसे लिख सकता हूँ. इससे क्या पता चला कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. अगर थीटा स्मॉल है तो ये भी तो स्मॉल हो गया ना, है ना. तो थीटा स्मॉल हुआ तो मैं टेन थीटा को भी थीटा ही लिख सकता हूँ. बिल्कुल सही बात है. तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो. डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी थीटा और दूसरा वाई इज इक्वल्स टू ई थीटा. फर्स्ट एंड सेकेंड थीटा को इलिमिनेट कर दो, दोनों को डिवाइड कर लो. तो वाई डिवाइडेड बाय एन लैम्डा इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय डी. तो y इज इक्वल टू एन लैम्डा ई बाय स्मॉल डी. ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्टेंस. और भाई इस जगह पे अगर मैंने पुट किया होता है एन लैम्डा के जगह पे 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आंसर आ जाता. वो क्या आता आंसर, y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा ई बाय. समझ में आया क्या? यस सर. ठीक है चलो अब आगे चलते हैं. अच्छा क्वेश्चन भाई. सर एक सेकंड रुको. तो इस जगह पे हम लोग बात कर रहे थे और लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव के बारे में हम लोगों ने देखा. तो स्टैंडिंग वेव हम लोगों ने देख लिया. वेव ऑन स्ट्रिंग में भी हम लोगों ने देखा था स्टैंडिंग वेव कैसा होता है. बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग एक ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव को क्रिएट करते हैं. ऑर्गन पाइप होता क्या चीज़ है, एक ट्यूब की जैसा होता है जिसमें कि तुम साउंड को ट्रैवल करा सकते हो. ठीक है ऐसा, ये इस टाइप का. और ये है हमारा बांसुरी टाइप का. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइप का हम लोग सोच सकते हैं लेकिन ये कवर्ड होगा. अब इस जगह पे दो ओपनिंग दिख रहा है, एक फर्स्ट ओपनिंग एंड सेकंड ओपनिंग. ये क्लोज भी हो सकता है, ओपनिंग को मैं क्लोज भी कर सकता हूँ तो उसके कारण से वेरिएशन तुम्हें मिल सकता है. तो हम लोग पहले ऑर्गन पाइप देखते हैं. और ऑर्गन पाइप दो तरह का होता है, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप. तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब कि जो एक एंड होगा ये वाला एंड ये क्लोज्ड होगा और दूसरा एंड क्या होगा ओपन होगा. और अगर तुमसे बोला गया ओपन ऑर्गन पाइप तो ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों जो एंड्स होंगे वो ओपन होंगे. ये भी ओपन होगा और ये वाला एंड भी ओपन होगा. और एक तीसरा भी तरीका का हो सकता है जिसपे भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तीसरे तरह का भी हो सकता है कि दोनों एंड्स को क्लोज कर दिए, दोनों एंड्स को क्लोज कर दिए. तुम बोलोगे सर दोनों एंड को क्लोज कर दिया तो साउंड किधर से भेजाओगे आप? हो सकता है अंदर एक इमीटर हो या फिर सोर्स हो जो कि वेव को कंटिन्यूसली प्रोपोगेट करा रहा हो. तो खैर ये लास्ट वाला केस नहीं बताया जाता है कहीं पे भी और मैं लास्ट वाले केस का सिमिलर केस आगे जा करके बता दूंगा. चलो तो पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप. और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वेव ऑन ए स्ट्रिंग पढ़ करके आने के लिए, क्योंकि जो चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे किया है एग्जैक्ट सेम काम हम लोग yes, यहाँ पे करेंगे. फर्स्ट इज ओपन ऑर्गन पाइप. ओपन ऑर्गन पाइप में जो ट्यूब होंगे वो दोनों साइड से ओपन होगा.
ये मेरे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है और इस ओपन ऑर्गन पाइप में मुझे क्या कराना है, स्टैंडिंग वेव क्रिएट कराना है। तो जो वेव्स होंगे, साउंड वेव इस तरफ से जाएंगे और इस तरफ से रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये इंसिडेंट वेव है और एक बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव। जब दोनों आपस में इंटरफेयर करेगा तो क्या देगा मुझे, स्टैंडिंग वेव यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो मैं सबसे लोएस्ट फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। तो इसका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडिंग वेव का, वो हम लोग या तो डिस्प्लेसमेंट वेव का भी बना सकते हैं और प्रेशर वेव का भी बना सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट वेव का कुछ इस टाइप से होता है। ये ऐसा होता है, तो इस जगह पे बनेगा नोड, ये बनेगा नोड, नोड्स ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे और ये पोजीशन होगा एंटी नोड का, एंटी नोड। और अगर मैं प्रेशर वेव के लिए बात करूं तो प्रेशर वेव के लिए क्या होगा, जिस जगह पे नोड है उस जगह पे हो जाएगा एंटी नोड, ठीक है, ऐसा होगा। तो इधर है एंटी नोड। तो इस ट्यूब के अंदर ज्यादातर रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेव का दिया जाता है, कहीं कहीं पे प्रेशर वेव का भी मिल सकता है। इसको किस तरीके से दिखाते हैं, ये एक ट्यूब है और मैं सबसे लोएस्ट फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज बताओ, दोनों साइड क्या है, ओपन है, और दोनों साइड अगर ओपन है तो यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस लोकेशन पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड, एंटी नोड। तो इस लोकेशन पे भी एंटी नोड और इस लोकेशन पे भी एंटी नोड। सबसे पास वाला दो एंटी नोड कहाँ पे है, ये वाला है। तो इस वाले पोर्शन को मैं उठा करके इसमें फिल कर दूंगा दिखाने के लिए, ये ऐसा। सर हाँ बोलो, क्या बोलो, मैंने बताया था ना, अगर कोई क्लोज्ड होता है तो क्लोज्ड में पार्टिकल इस लोकेशन पे डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता है तो नोड बना लेता है, और अगर ओपन एरिया है तो वो आराम से आगे पीछे डिस्प्लेसमेंट कर सकता है ना। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो एंटी नोड होगा, ठीक है। यस सर, वही अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेव का ना दे करके मुझे प्रेशर वेव का दिखाना होता तो प्रेशर वेव का किस तरीके से दिखाते हैं, इन दोनों लोकेशन पे प्रेशर वेव का क्या बनेगा, नोड या एंटी नोड, नोड्स होंगे। तो दो नोड कोई सा भी उठा करके पुट कर लो यहाँ पे, क्लोजेस्ट वाला, पास वाला, ये दो नोड्स, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, तो ये किसका है, ये है हमारा प्रेशर वेव का। प्रेशर वेव तो बुक में एक बार देख जरूर लेना कि वो प्रेशर वेव का बनाया है या फिर डिस्प्लेसमेंट वेव का बनाया है। जिसका भी बनाया हो, इस ऑर्गन पाइप का तो लेंथ एल होगा, और अगर इसका लेंथ एल है तो इन दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई टू। तो मैं बोल सकता हूँ लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल, बिल्कुल एग्जैक्ट काम अब वही करना है जो हम लोगों ने वेव वन स्ट्रिंग में किया था। तो लैम्डा आ जाएगा टू एल,
एंड वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू पी बाय लैम्डा, ये हो जाएगा वी बाय टू एल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आया ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक आ गया। अब इससे हम लोग एक हायर देखना चाहते हैं सर, ऊपर लीजिए। तो दोनों साइड ओपन है और अगर एक हायर चाहिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड पे क्या रखना है, एंटी नोड को ही रखना है। तो एक एंटी नोड को तुमने चूज कर ही लिया, एक और एंटी नोड नेक्स्ट वाला ये रख सकते हैं हम लोग, ये ऐसा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेव का और प्रेशर वेव का कैसा आ जाएगा, दो लूप। और ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेशर वेव। फिर से वही काम, इस ट्यूब का लेंथ अगर मैं एल बोल रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा। तो वेवलेंथ एल के बराबर आ गया और वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इधर से फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, वी बाय एल, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ वी बाय टूएल, विच इज टू टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवर टू, एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन चल रहा है। तो मैं डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, बताओ जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एन वी बाय 12 हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। इसमें एन क्या चीज है, एनथ हार्मोनिक और एन माइनस वनथ ओवर टू, ये आ गया। और वी क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन जो भी मीडियम हो, यहाँ पे एयर होगा तो एयर हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड। और एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये ऐसा। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने सिंपल सा देख लिया ओपन ऑर्गन पाइप, अब क्लोज ऑर्गन पाइप देख लेते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप में दोनों में से एक एंड क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये अब इसको ऐसा करके हम लोग ड्रॉ करेंगे, जनरली बुक में तुम्हें इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो इस लोकेशन पे डिस्प्लेसमेंट वेव का पहले मैं बनाता हूँ, इस लोकेशन पे क्या बनेगा, नोड बनेगा
और इस लोकेशन पे एंटी नोड ये फिक्स चीज है। सबसे जो लोएस्ट पॉसिबल हो सकता है वो ऐसा हो सकता है, ये हो गया ऐसा। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव प्रेशर वेव का बना के दिखाता हूँ, उल्टा प्रेशर वेव में जस्ट उल्टा, क्योंकि इस जगह पे बनेगा एंटी नोड और इस जगह पे बनेगा नोड। और ये है तुम्हारा प्रेशर वेव। और अब कैलकुलेशन करते हैं, ये लेंथ है एल, लैम्डा बाय 4। तो एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है, जो कि एल के बराबर है। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 4 है। फिर से वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इधर से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, वी बाय लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू पुट कर लो इधर। सो लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय 4 है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकला, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वाले में। क्या किया मैंने, एक बड़ा किया, तो डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए इस जगह पे तो नोड बनेगा और इधर एंटी नोड, ऐसा होगा। ये हो गया, इस जगह पे नोड और इस जगह पे एंटी नोड, और ये डिस्प्लेसमेंट वेव। और सेम वे में प्रेशर वेव का देख लेते हैं। प्रेशर वेव का इस जगह पे बनेगा एंटी नोड और इस जगह पे बनेगा नोड। तो जस्ट इसी चीज का रिवर्स हम लोग कर सकते हैं। और ये है प्रेशर वेव। कैलकुलेशन देखते हैं, ये लेंथ है हमारा एल, 4 इज इक्वल टू एल, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो एफ विल बी इक्वल टू वी बाय लैम्डा विच इज 3, वी बाय 4L, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। तो जनरल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, एन वी बाय 4L, नहीं 2N प्लस 1 वी बाय 4L, ऑड होना चाहिए, 2N प्लस 1 वी बाय 4L, ये होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इसमें 2N प्लस 1 क्या है, N और हार्मोनिक क्या है, अगर N इज इक्वल टू 1 पुट किया तो वैल्यू कितना आता है, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, थर्ड हार्मोनिक।
तो थर्ड हार्मोनिक होता है, यहाँ पे देखो ये थर्ड है, तो ये यस टू सर, एन प्लस वन हार्मोनिक, और एनथ क्या हो जाएगा, ओवर टू। ओवर टू। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। एक लास्ट मैंने जो बताया जिसमें कि दोनों एंड्स क्लोज्ड हो जाएंगे, तो ये जो केस बनेगा ये एग्जैक्ट केस होगा इसके जैसा, ओपन ऑर्गन पाइप के जैसा, दोनों साइड अगर ओपन होगा। ठीक है, बस चेंजेस यही आएंगे, क्योंकि दोनों साइड क्लोज्ड है तो दोनों जगह पे क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, तो ये ऐसा स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो इस तरीके से। तो इसके लिए फॉर्मूले भी सेम होंगे, जो ये जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये वाला F is equals to NV by 2L, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे उसके लिए। चलो, तो ये तो हम लोग का जनरल फॉर्मूला आ गया, अब इसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो वैल्यूज हैं वो डेटा मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये कि मैंने इससे निकाला लेंथ L, और जब L का वैल्यू निकाला तो एग्जैक्टली हमारे डेटा से मैच नहीं कर रहा, तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो बाद में जाकर के बात पता चली कि जिस जगह पे एक्चुअल में नोड या एंटी नोड बनना चाहिए डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेशर वेव का, वो उस लोकेशन पे नहीं बन रहा है, वो थोड़ा सा आगे जाकर के बनता है। तो इसको हम लोग एंड करेक्शन के नाम से जानते हैं। मैं बताता हूँ एंड करेक्शन। एंड करेक्शन में क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑर्गन पाइप था, तो इस पाइप में, ऑर्गन पाइप में एग्जैक्टली इस जगह पे अगर पहले डिस्प्लेसमेंट वेव का बना रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट वेव का एग्जैक्टली इस जगह पे क्या मिलना चाहिए मुझे, एंटी नोड मिलना चाहिए था, है ना? एग्जैक्टली इस जगह पे एंटी नोड मिलना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्ट इस लोकेशन पे नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा आगे जाकर के मिलता है, थोड़ा सा आगे जाकर। तो ये पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो चुका है। तो एल का जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो कौन सा लेंगे, ये पूरा का पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। प्रेशर वेव का भी बना करके दिखाता हूँ मैं। तो इसमें देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव का कैसा दिखेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेव वाले केस में, सॉरी प्रेशर वेव, प्रेशर वेव के वाले केस में इस जगह पे एग्जैक्टली क्या हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस जगह पे एंटी नोड है, नोड तो इस जगह पे एग्जैक्टली नोड हो जाना चाहिए था, और हो जाना चाहिए था तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता। लेकिन देखा गया कि जो नोड है एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं मिल रहा है, नोड एक्चुअल में इस लोकेशन पे फॉर्म हो रहा है ऐसा। ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो जो लेंथ हमें यूज करना चाहिए था वो हम लोग एक्चुअल में सही लेंथ यूज नहीं कर रहे, और
इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली, इसे ई से हम लोग डिनोट करते हैं ई। तो जो इफेक्टिव लेंथ होना चाहिए, इफेक्टिव लेंथ कितना होना चाहिए था, दिस मच एल। इफेक्टिव लेंथ शुड बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये लेंथ तो ऑलरेडी ट्यूब का लेंथ है और ई एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो वो भी इसमें ऐड होना चाहिए, है ना। दिस विल बी द इफेक्टिव लेंथ। तो अगर क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप है तो उसके लिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा फॉर क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप, उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 2n+1 वी बाय 4l होता है, तो वी बाय 4l के जगह पे लिखेंगे l प्लस ऑफ e। ये हमारा जनरल फॉर्मूला। तो e है क्या चीज, e बेसिकली एक डिस्टेंस ही है, तो उसका वैल्यू क्या है, e का जो वैल्यू होता है वो रेडियस के टर्म्स में होता है। म्यूट कर लो सभी को ही। हेलो, म्यूट कर लो जो भी है। 0.6 R, ई का जो वैल्यू होता है वो 0.6 R होता है। इसे तुम लोग को याद रखना है, किसी किसी जगह पे डायमीटर के फॉर्म में गिवन होता है, ये रेडियस के फॉर्म में दिया है मैंने। ई का वैल्यू 0.3 D भी लिख सकते हो, 0.6 R, वेयर R इज रेडियस एंड D इज डायमीटर। रेडियस किसका, इसका रेडियस ऑफ द ट्यूब, तो ये तो था ऑर्गेन पाइप कौन सा, क्लोज्ड वाला। अगर ओपन होगा तो उसके लिए क्या जनरल फॉर्मूला होगा, अगर ओपन होगा तो सोचो क्या एग्जैक्ट इस लोकेशन पे दोनों का क्या बनना चाहिए, प्रेशर वेव का बना रहा हूं मैं। दोनों का क्या होना चाहिए, नोड बनना चाहिए सर, 2E हो जाएगा इस तरीके से, नोड बनना चाहिए था। लेकिन नोड जो बनेगा एक्चुअल में वो थोड़ा सा आगे बनेगा, और इस बार दोनों तरफ आगे बनेगा, दोनों जगह पर। तो एक्चुअल जो इफेक्टिव लेंथ मुझे लिखना पड़ेगा, क्या ये वाला लिखना होगा, दिस विल बी द एल इफेक्टिव लेंथ। और इस बार एल इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, E का जो एडिशन होगा दो बार होगा, सो L इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल्स टू L प्लस ऑफ 2E। तो मेरा जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू V बाई N, V बाई 2L होता है, और L की जगह पे लिखेंगे L प्लस ऑफ 2E। इसे हम लोग याद रखेंगे एंड करेक्शन वाले पार्ट में, और इसमें ई का जो वैल्यू होता है वो 0.6 R होता है। अब क्वेश्चन में दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, एंड करेक्शन के बारे में मेंशन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। हमें कैसे पता चलेगा तो वो एंड करेक्शन को इंक्लूड कराना चाहता है या नेग्लेक्ट कराना चाहता है। अगर देखो क्वेश्चन में रेडियस गिवन है या फिर डायमीटर गिवन है, इसका मतलब समझ लो कि वो एंड करेक्शन को भी इंक्लूड कराना चाहता है, और अगर नहीं गिवन है तो नहीं कराना चाहता। कुछ कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें समझना पड़ेगा क्वेश्चन करके कि हाँ वो पूछना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से तुम्हें एंड करेक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा। रेडियस ही बोल देगा निकालने के लिए,
तो ऑफ कोर्स एंड करेक्शन तो मतलब लिया है, तभी तो वो रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है। ये कुछ बेसिक सा चीज है। बोलो इसमें समझ में आया सब कुछ या नहीं आया? चलो तब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर, आर किसका रेडियस है? क्या बोल रहे हो? लूप का? लूप का रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। आर हाँ, ट्यूब का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का ही रेडियस आर है या फिर डायमीटर डी है। ओके सर। क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें। चलो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करो। क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप इज इन रेजोनेंस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 हर्ट्ज। ठीक है, इफ इट इज इन सेकेंड ओवर टोन, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो इसको। एक सिंपल सा कुछ कैलकुलेशन है, इसको करेंगे और आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताओ। ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया और ये 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 70। यही आया सबका? हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर वो और भी रिड्यूस हो सकता है मतलब। हाँ हो सकता है, 5 से कैंसिल वैंसिल करेंगे और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा रेजोनेंस का मतलब समझ में आता है ना? जब भी बोला जाए रेजोनेंस, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। रेजोनेंस का मतलब बस इतना सा होता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑर्गेन पाइप फिल्ड विथ विथ N2 इज 1000 हर्ज। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ N2 इज रिप्लेस्ड बाय H2। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
माय आंसर? सॉल्व करें। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाँ जो है ऑर्गेन पाइप में, अगर वो N2 से बढ़ा हुआ है, N2 फील्ड है इसमें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? F0 इज इक्वल्स टू V बाय, कैसा है ये, 4L हो जाएगा। तो हमें तो गिवन नहीं क्लोज है ओपन है, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालने पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो या ओपन हो वो सेम फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लो कि क्लोज है तो V/4L हो गया, लेकिन ये जो V होगा ये साउंड का स्पीड किसमें, N2 में होगा। अब दूसरा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी उसमें क्या हो जाएगा, V H2 में चाहिए होगा, डिवाइड बाय 4L, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस में है, N2 में, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी H2 में है। ये हमें गिवन है, डेट इज 1000। दोनों को डिवाइड कर लो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय F इज इक्वल्स टू 4L, तो सेम होने का कैंसिल हो जाएगा वो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन N2 डिवाइड बाय वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड इन H2। अब स्पीड ऑफ साउंड का मुझे रेशियो निकालना है, क्या वी का फॉर्मूला रूट अंडर ऑफ गामा RT/M होता है? बिल्कुल हाँ। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, N2 डिवाइडेड बाय H2 का, गामा तो दोनों का सेम, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, डायटोमिक, N2 और H2, R और टेम्परेचर सेम, M का वेरिएशन होगा, तो M मोलर मास किसका, H2 का, एंड मोलर मास N2 का, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा M ऑफ H2 डिवाइड बाय M ऑफ N2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर आंसर दिया जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा या घटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ गया क्योंकि जो यस सर, मीडियम तुमने डाला उस मीडियम में जो स्पीड है साउंड का वो ज्यादा है या कम है। पहले था N2 और अब क्या है, H2, तो स्पीड साउंड का किस में ज्यादा है, N2 में ज्यादा है या H2 में एक्चुअली ज्यादा, H2 में ज्यादा है और N2 में है कम, इसीलिए फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो सर वो अज्यूम किया है ना कि वो क्लोज्ड है करके। हाँ, तुम ओपन भी रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा, एक क्वेश्चन है, ए ट्यूब ओपन एट वनली वन एंड इज कट इनटू टू ट्यूब्स, कट इनटू टू ट्यूब्स ऑफ नॉन इक्वल लेंथ,
of non-equal lengths. The pipe open at both ends has fundamental frequency of 450 Hz and other has 675 Hz. दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही है. तो व्हाट इज द फर्स्ट ओवरटोन? व्हाट इज द फर्स्ट ओवर टोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल पाइप? बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको. देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए ये जो ट्यूब दिया गया है वो एक क्लोज्ड ट्यूब था और इसको क्या कर दिया गया, दो पार्ट में कट कर दिया गया, एन इक्वल इवन लेंथ होगा. तो ये एक ट्यूब बना और ये दूसरा जो ट्यूब कट के निकला वो दूसरा कैसा है, क्लोज्ड है. तो एक क्लोज्ड हो गया और एक ओपन हो गया. और ऐसा करते हैं कि दोनों का लेंथ एज्यूम कर लेते हैं, एक का L1 एज्यूम कर लेते हैं और एक का L2 एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से दिस वन इज L2 एंड दिस वन इज L1. तो ट्यूब का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस ऑफ L2. अब क्वेश्चन को पढ़ो. कट इनटू टू एंड नॉन इक्वल लेंथ द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस थिंग. तो जो दोनों जगह पे ओपन है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 450. और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/2L होता है. दूसरा 675 दे रखा है क्लोज्ड वाले के लिए, ये हो जाएगा V/4L2. क्या दोनों का V का वैल्यू सेम होना चाहिए? हाँ, क्योंकि मीडियम अभी भी वही है तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगा नहीं. तो अगर तुम्हें फर्स्ट ओवरटोन चाहिए ओरिजिनल पाइप में तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? V/12 3 V/4L1 plus of L2. This is the desired frequency. ये मुझे निकालना है. इसमें ऐसा क्या करें जो हमारा काम हो जाएगा, मुझे V/L1 plus of L2 का रेशियो चाहिए, है ना, वैल्यू चाहिए. तो ऐसा करो कि L1 और L2 का वैल्यू पुट कर लो ना इधर से, ये L1 निकल के आ जाएगा. L1 कितना आ जाएगा, V/2 into 450 और L2 कितना आ जाएगा, V/4 into 675. इन दोनों का वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो, आंसर आ जाएगा. V/900 प्लस V/2 मल्टीप्लाई कर लो 2700 जाएगा और V और V कैंसिल आउट हो जाएगा. बाकी बस अब इसको सॉल्व कर लेना है और तो कुछ है नहीं इसमें. समझ में आ गया क्या? यस सर, ये आ जाएगा आंसर. चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज
रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जैसे कि वहां पे सोनोमीटर वायर का एक एक्सपेरिमेंट किया था, याद है? वेव यस ऑन स्ट्रिंग में सोनोमीटर वायर का एक्सपेरिमेंट किया था, सर, हाँ सर, जिसमें क्या कराया था, स्टैंडिंग वेव क्रिएट कराया था। तो यहाँ पे भी हम लोग स्टैंडिंग वेव का एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोनोमीटर वायर के जगह पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब। और रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, एक जनरल ट्यूब होता है, पीवीसी ट्यूब ले लो, वही रेजोनेंस ट्यूब है समझ लो। और उस ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं पानी के अंदर, ठीक है? बड़ा सा ट्यूब बन गया ये, इतना बड़ा नहीं, छोटा ही। और इस ट्यूब को हम लोगों ने पानी के अंदर डुबो के रखा। मान लो कि ये कंटेनर है सिलेंड्रिकल, इसमें पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है। और रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है वो अलग अलग सेटअप से भी किया जाता है, लेकिन सभी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम है। और ये ट्यूब है बड़ा सा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्यूब को होल्ड करते हैं और इस ट्यूब को पकड़ के ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं, या तो ऊपर खींचेंगे या तो फिर नीचे करेंगे, ठीक है? और पानी को पूरा का पूरा भर देते हैं। तो ट्यूब सबसे पहले क्या होगा, सबसे नीचे होगा, तो पानी का लेवल ये इस जगह पे होगा, वाटर लेवल। और फिर इस ट्यूब को हम लोग लिफ्ट करते हैं धीरे धीरे करके, है ना, धीरे धीरे करके लिफ्ट करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग इस तरह से रबर पैड पे हिट करते हैं। तो रबर पैड पे हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, बराबर है क्या? और इसका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास गिवन होता है, या फिर पता होता है, या फिर निकालना होता है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इस जगह पे ट्यूनिंग फॉर्क लेकर के हिट करके इस जगह पे रखते हैं। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करता है तो साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, और ये साउंड वेव क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। तो ये नीचे जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हो क्या होगा, इन दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस, बराबर। तो स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगा। तो स्टैंडिंग वेव अगर क्रिएट हुआ तो ये जो लेंथ है ये ट्यूब का लेंथ आ जाएगा। और हम लोग एरर भी ले सकते हैं, एंड करेक्शन भी ई ले सकते हैं, ज़्यादातर जगह पे नेगलेक्ट कर दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट में निकालने के लिए बोला जा सकता है, अलग अलग सिचुएशन होता है। तो करते किस तरीके से एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क लेकर के इस जगह पे हिट करके लगाया। तो जैसे ही लगाया तो इस छोटे से लेंथ के लिए रेजोनेंस नहीं हुआ, रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। क्या ये फ्रिक्वेंसी तुम्हारा फिक्स्ड है? बिल्कुल हाँ। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजोनेंस ट्यूब का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एन, सॉरी ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड के लिए क्या होता है, 2n+1 V/4 ये फॉर्मूला होता है। और जब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने का मतलब क्या है, रेजोनेंस होने का मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑर्गेन पाइप का और जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क का, वो दोनों क्या करेगा, मैच कर जाएगा, दोनों क्या कर जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उस समय रेजोनेंस हो जाएगा। तो कंडीशन और रेजोनेंस, उसमें क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो F0 के बराबर हो जाएगा। तो जिस समय ये दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2n+1 V/4L विल बी इक्वल्स टू F0। अब बताओ इसमें क्या क्या वेरिएबल है और क्या क्या कॉन्स्टेंट है। F0 कॉन्स्टेंट है, बोले ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी तो हम लोग कॉन्स्टेंट रखे हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। V स्पीड ऑफ साउंड एयर है वहां पे, वो भी कॉन्स्टेंट है,
एन का वैल्यू हमारा चेंज हो सकता है और एल का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे लोएस्ट हार्मोनिक उसमें स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो, तो सबसे लोएस्ट के लिए हमारा ये वैल्यू पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू जीरो पुट कर लो। अगर एन इज इक्वल टू जीरो हुआ तो ये कितना हो जाएगा, वी बाय 4L इज इक्वल टू एफ नॉट, इम्प्लाइज पहला जो लेंथ आया वो कितना आ जाएगा, वी बाय 4F नॉट का, मतलब पहला रेजोनेंस जो होगा वो इस लेंथ पे तुम्हें सुनाई देगा। जैसे जैसे मैं इस ट्यूब को ऊपर लिफ्ट करते जा रहा हूँ और जब लेंथ L इसके बराबर हो जाएगा तो मुझे एक रेजोनेंस सुनाई देगा। अभी समझेंगे रेजोनेंस क्या सुनाई देता है। दूसरा, अगर n इज इक्वल टू वन हुआ तो n इज इक्वल टू वन केस के लिए क्या हो जाएगा, पुट करो 2n प्लस 1 में, n का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 3 बाय 4 l इज इक्वल टू एफ नॉट। तो इधर से l का वैल्यू कितना निकल के आया, हो जाएगा 3 v बाय 4 एफ नॉट। तो ये अगर l1 लेंथ है और ये l2 लेंथ है, तो l1 बड़ा है या l2 बड़ा है, L2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ L1 है, मतलब जितना लेंथ तुम्हारा ऊपर जा चुका था, ये जितना लेंथ तुम्हारा ऊपर जा चुका था उसका तुम डबल और ऊपर करोगे तब तुम्हें एक और रेजोनेंस सुनाई देगा। मेरी बात समझ में आएगा? तो ये L2 लेंथ पे वापस से रेजोनेंस तुम्हें सुनाई देगा। इस तरीके से मैं तीसरा रेजोनेंस भी पा सकता हूँ। तीसरा रेजोनेंस मुझे किस पे मिलेगा, जब L3 जो होगा वो 5L1 के बराबर होगा, है ना। तो मुझे तीसरा रेजोनेंस सुनाई देगा। तो ये क्या हो गया, इन सभी लोकेशन पे रेजोनेंस हो रहा है। सो दिस इज फर्स्ट रेजोनेंस, दिस इज सेकेंड रेजोनेंस एंड दिस इज थर्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस ट्यूब में पहला रेजोनेंस कब हुआ, जब लेंथ तुम्हारा वी बाय 4 एफ नॉट हुआ। दूसरा रेजोनेंस कब हुआ, जब लेंथ तुम्हारा 3 वी बाय 4 एफ नॉट हुआ। तीसरा रेजोनेंस कब हुआ, इतना। चौथा रेजोनेंस कब होगा, इतना लेंथ। पांचवा, छठा, इस तरीके से नंबर ऑफ रेजोनेंस तुम देख सकते हो। तो क्वेश्चन में फर्स्ट रेजोनेंस जब हुआ उस समय लेंथ निकालने के लिए बोला जाएगा, तो तुम्हें तुरंत पता चलना चाहिए फर्स्ट रेजोनेंस का मतलब क्या बोलना चाह रहा हुआ, n इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो अब इसका मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें रेजोनेंस करते किस तरीके से, और जब रेजोनेंस होता है तो मैक्सिमा मिलता है मुझे, है ना। उस समय एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के कारण से इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या हो गया, कि तुम्हें आवाज ज्यादा सुनाई देगी। F equals 250 increase in the volume। तुम देखो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को ऊपर नीचे किया जा सकता है, और इस तरीके से ऊपर नीचे करने के कारण से मैं स्केल से मेजर कर सकता हूँ कितना कितना लेंथ मैंने ऊपर किया और कितना लेंथ मैंने नीचे किया, और वो ट्यूनिंग फॉर्क है, और ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसीज वगैरह होते हैं 256, 512 और ये 1000 फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह मिलते हैं, और ये एक स्पीकर भी है। तो इस जगह पे ये ट्यूनिंग फॉर्क से इसको फिर बजाया जाएगा। देखो ये इस तरीके से लगाएगा ट्यूब दैट यू हियर द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड रिकॉर्ड दैट लेंथ ऑफ ट्यूब इन योर डेटा शीट। आवाज ध्यान से सुनना कहाँ पे तुम्हें मैक्सिमा सुनाई देगा। देखा इस जगह पे आवाज का बम्प आ रहा है, मतलब कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है मतलब रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है, कि दोनों के फ्रीक्वेंसी मैच करना, जिसके कारण से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है। तो ये बम्प मुझे सुनना होता है, और वो जैसे ही मैंने इंटेंसिटी मैक्सिमम सुना तो उस लेंथ को मेजर कर लूंगा, क्योंकि ट्यूब को मैं ऊपर करते जा रहा हूं, तो पहली बार मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिला तो वो हुआ फर्स्ट रेजोनेंस। वापस से देखना,
ये What is length of the tube? जो मैंने बताया. Third standing one. Get my equipment. Use the three frequencies. F equals 1,000. Increases the increments of 5 and measure your data to antinode. Here's the closed end of the pipe. Here's the open. कि किस तरीके से ये जो यहाँ पे पार्टिकल्स ऊपर में दिख रहे हैं वो किस तरीके से वाइब्रेशन ऑसिलेशन कर रहे हैं और उसके कारण से स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रहा है. ठीक है, ये देखो मैं वापस से प्ले करता हूँ और इसके वाइब्रेशन को देखो. बस जो भी पार्टिकल एकदम चिपका हुआ है वॉल से या फिर एंड से उसका ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है. एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो. और ये जो पार्टिकल जो सबसे एंड पॉइंट पे है, ओपन एंड पे, उसका एम्पलीट्यूड पार्टिकल का सबसे मैक्सिमम है. और बीच में कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जिसका बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है. डेट मीन्स वो पार्टिकल क्या है? नोड है. ठीक है, वो पोजीशन लोकेशन क्या हुआ? नोड हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट का नोड है लेकिन प्रेशर वेव का क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा. ठीक है, अब देखो. यस सर. Detail. आवाज सुनना तुम लोग. बड़ा इंटेंसिटी मैक्सिमम, ये रहा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लोकेशन. तो इस लेंथ को हम लोग नोट कर लेंगे. फिर अब दूसरा एक दो यहाँ पे आ रहा है. हाँ, वापस उसको चेक करेगा. अब तीसरा रेजोनेंस, एक दो. और ये तीन यहाँ पे आ रहा है, मतलब थर्ड रेजोनेंस इतने लेंथ पे अकर हो रहा है. एक स्पीकर ले लिया उसने जिस जो कि 512 फ्रीक्वेंसी का कंटिन्यूस वेव साउंड इमिट कर रहा है और उससे काफ़ी अच्छे तरीके से सुनाई देगा. क्यों? पहले वाला जो है ट्यूनिंग फॉर्क, उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाता है, तो उसके कारण से क्या होता है? साउंड इमिटिंग कम हो जाता है पावर. लेकिन ये स्पीकर है तो ये कंटिन्यूसली सेम पावर को इमिट करते जाएगा, तो इससे सुनना अच्छे तरीके से सुनाई देगा. तो ये रेजोनेंस इस तरीके से, तो वही चीज़ जो मैंने बताया कि रेजोनेंस किस तरीके से कराएंगे हम लोग. n इज इक्वल टू जीरो जैसे पुट किया तो ये फर्स्ट रेजोनेंस हुआ, फिर सेकंड रेजोनेंस हुआ और थर्ड रेजोनेंस हुआ, और उन सभी के लिए लेंथ जो है वो कुछ इस तरीके से हमारा आता है. तो इस पे क्वेश्चंस हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. और नेक्स्ट क्लास में अब दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो बीट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा डॉपलर्स इफेक्ट. तो ये दोनों हम लोग कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा.